हरियाणा में एक बड़ा हादसा हुआ है। महेंद्रगढ़ जिले में करीब 40 स्कूली बच्चों को लेकर जा रही बस पलट गई। दिल दहला देने वाले हादसे में 6 से ज्यादा बच्चों की मौत होने की बात कही जा रही है, वहीं 15 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए इस भीषण हादसे के बाद इनमें से 6 बच्चों की हालत गंभीर थी, जिन्हें नजदीकी अस्पताल भेजा गया, लेकिन 5 बच्चों की तब तक मौत हो चुकी थी। इन 6 बच्चों में से एक गंभीर रूप से घायल था, जिसे इलाज के दौरान वेंटिलेटर पर रखा गया था। हालांकि कुछ देर बाद 6ठे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। कई खबरों ने दावा किया है कि 2 और बच्चों की हालत काफी गंभीर है। पुलिस ने कहा है कि बच्चों को ले जा रही एक जीएल पब्लिक स्कूल की बस नारनौल के उन्हानी गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मौके पर मौजूद एक शख्स ने कहा कि दुर्घटना के समय ड्राइवर शायद शराब के नशे में था। हादसे में घायल एक बच्चे ने भी ड्राइवर के नशे में होने की बात कही है। बच्चे, क्या नाम है आपका? आदित्य। कौन से स्कूल में? जीएल पब्लिक स्कूल। ये एक्सीडेंट, ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना, उसने 120 की स्पीड में भगा ली और जैसे उसने मोड़ा ना, बैलेंस बिगड़ गया। जब है ना वहाँ पे नहर थी, उसमें टकरा गई बस, जो पलट गई बस। 50। हॉस्पिटल में लग गई जब आए। पुलिस ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। महेंद्रगढ़ के पुलिस अधीक्षक अंशु वर्मा ने न्यूज एजेंसी को बताया कि घायल छात्रों को महेंद्रगढ़ और नारनौल के विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया था। बस के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे जब उन खबरों के बारे में पूछा गया जिसमें चालक के नशे में होने की बात कही जा रही है, इस पर उन्होंने कहा, हमने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी मेडिकल जांच की जा रही है। इसके बाद ही हम कुछ पुष्टि कर पाएंगे कि वास्तव में वो नशे में था या नहीं। ईद की छुट्टी घोषित होने के बावजूद स्कूल क्यों खुला हुआ था, इसको लेकर भी अभिभावक सवाल उठा रहे हैं। एसपी ने इस पर कहा, हम इसकी भी जाँच कराएंगे कि छुट्टी वाले दिन बच्चों को क्यों बुलाया गया था। हादसे के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने अस्पताल का दौरा किया और घायल बच्चों से मुलाकात की। क्यों नजर नहीं गई प्रशासन की? देखिए, ये संज्ञान में आया कि ये प्राइवेट स्कूल जो है आज छुट्टी के दिन चला रहा है, इस पे एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है और छुट्टी होने के बावजूद चलाया गया, इसलिए इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी ऊपर भेज दिया गया प्रपोजल। कितने लोगों के बच्चों के मरने की पुष्टि अब तक प्रशासन की तरफ से? अभी तक 6 कैजुअलिटीज हुई है। शिक्षा मंत्री ने 7 की पुष्टि की, 6 की ऑफिशियल पुष्टि हम कर सकते हैं। घायल कितने हुए? घायल बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। हमारे 11 बच्चे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में चल रहा है अंडर ट्रीटमेंट, 2 बच्चे का कनीना में चल रहा है और कुछ 2-3 बच्चे और हैं जिनके पेरेंट्स उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं, लेकिन अभी किसी की जान को खतरा नहीं है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है सरकार के द्वारा उनका कराया जा रहा है। स्कूल संचालन की गिरफ्तारी से पूरे थे इनके, बस जो है इसके डॉक्यूमेंट, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह जी, उनकी इंक्वायरी कराने पर यही पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स में भी कमी थी, इसीलिए FIR जो है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी की जा रही है। मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस का दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। स्थानीय प्रशासन के द्वारा घायल बच्चों को सहायता पहुंचाई जा रही है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी एक्स पर लिखा, महेंद्रगढ़ के कानीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने मासूम बच्चे खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों की सहायता के लिए मुस्तैद है। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी हादसे पर लिखा, कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ बच्चों की असामयिक मृत्यु होने और कुछ के घायल होने की सूचना है। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।